हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप सब लोग मज़े में हो। चलिए, आई वेलकम यू टू माय चैनल लिटरेचर की दुनिया। इन द प्रीवियस वीडियोस हम लोगों ने बात की थी अबाउट द समरी ऑफ द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी बाय म्यूरियल स्पार्क। इस वीडियो में मैं आपको बताती हूँ इसके जो इम्पोर्टेंट कैरेक्टर्स हैं उनके कैरेक्टरिस्टिक्स, ऑल्सो हम इसमें इस नॉवल में जो प्रोमिनेंट थीम्स हैं उनको डिस्कस करेंगे। एंड गेस व्हाट, यस आई एम गोइंग टू टेल यू अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्जाम्स में आते हैं, स्पेशली इफ़ यू आर गोइंग टू सिट फॉर इग्नू एग्जाम्स। तो चलिए बिना देर करते हुए अपने वीडियो को शुरू करते हैं। ओके, कैरेक्टर्स। सो आप सबको पता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर तो मिस जीन ब्रोडी का ही है। शी इज़ द प्रोटैगनिस्ट ऑफ द नॉवल। अब क्या होता है, मिस जीन ब्रोडी एक बड़ी ही कैरिस्मेटिक किस्म की इंसान है, बहुत ही अट्रैक्टिव हैं वो। अपने व्यूज़ में काफ़ी अनऑर्थोडॉक्स भी है, मॉडर्न उनके व्यूज़ हैं, बिल्कुल भी डरती नहीं है अपने व्यूज़ को शेयर करते समय। क्या होता है, व्हेन मिस ब्रोडी वॉज इन हर प्राइम, वो क्या करती हैं, वो कुछ बच्चों को, जैसे कि आपने देखा होगा कि वो इसमें 6 लड़कियों को चूज करती हैं, वो उनको चूज करती हैं। मच एज व्हाट, मच एज कैल्विनिस्ट को लगता है कि भगवान ने कुछ एक सिलेक्टेड लोगों को चुना है अपने बच्चों बच्चा बनाने के लिए, ताकि वो उनके सेल्वेशन के लिए, उनके मुक्ति के लिए काम कर सकें। तो मिस ब्रोडी को भी ना अपने बारे में कुछ ऐसा ही यहाँ पर लगता है। वो क्या करती हैं कि उनके रिलीजन के बारे में, धर्म के बारे में उनके ये व्यूज़ हैं कि भगवान ना हमेशा उनकी साइड पर हैं। उन्हें कोई भी डाउट नहीं होता इस बात में कि गॉड इज़ ऑलवेज ऑन माई साइड, वॉट एवर कोर्स आई विल पिकअप इन माई लाइफ। तो क्या होता है कि वो सब कोई बात बोलती भी है कि यार भगवान ना हमेशा मेरे साथ देते हैं, मेरे साइड पे हैं, और इसीलिए जो है ना उसको कोई भी डिफिकल्टी या सेंस ऑफ हिपोक्रेसी फील नहीं होती है इन वर्शिपिंग, इवन वाइल शी वॉज स्लीपिंग विद द सिंगिंग मास्टर। येस, एंड ऑल्सो क्या होता है, फीलिंग हर सेल्फ, शी यूज टू फील हर सेल्फ फेटेड और लकी वन वे और द अदर। मिस ब्रोडी क्या करती हैं, वो एक्ट करती हैं एज इफ वो मोरालिटी से भी आगे बढ़ जाती हैं, कि जैसे मोरालिटी यानी कि नैतिकता से भी ज़्यादा वो नैतिक हैं। अब क्या होता है इसके अंदर, मैंने आपको बताया कि वो मानती हैं कि भगवान हमेशा उनकी साइड पे है, ऑल्सो की दैट शी बिलीव्स दैट शी ट्रांसेंड्स मोरालिटी। अब इसमें एक लाइन आप यहाँ पर देखेंगे, इट इज़ अ कोट, इट वॉज बाय सैंडी। वो कहती है, शी थिंक्स शी इज प्रोविडेंस, थॉट सैंडी, शी थिंक्स शी इज द गॉड ऑफ कैल्विन। कि सैंडी ये कहती है कि मिस ब्रोडी को पता क्या लगता है, उनको लगता है कि जैसे वो तो ना भगवान है, कि वो कैल्विन की भगवान है। तो ये था कुछ पॉइंट्स मिस ब्रोडी के बारे में। नाउ मूविंग ऑन टू द ब्रोडी सेट। ब्रोडी सेट कौन था, उन 6 लड़कियों का ग्रुप था जो मिस ब्रोडी के साथ में रहा करता था, उसका नाम था द ब्रोडी सेट। सबसे पहली मेंबर इसकी थी सैंडी स्ट्रेंजर। ये मिस ब्रोडी की स्पेशल कॉन्फिडेंटे थी। ये क्या करती हैं, इसके व्यूज़ होते हैं कि ये कैल्विनिज्म के अगेंस्ट होती है, ये रिएक्ट करती है उसके रिजिड प्रीडेस्टिनेशन के खिलाफ, एंड शी वॉज इन फेवर ऑफ रोमन कैथोलिसिज्म। क्या होता है, शी इज कैरेक्टराइज्ड इन द नॉवल एज हैविंग अ स्मॉल ऑलमोस्ट नॉन एग्जिस्टेंट आइज, किसकी आँखें ना बड़ी छोटी सी होती हैं, एंड शी हैज़ अ पियरिंग गेज, कि ये हर बात को ना बड़ा डीपली एनालाइज करती है। मिस ब्रोडी बोलती है कि तुम्हारे में इंसाइट तो है, कि तुम्हारे में दिमाग तो है, तुम सोचती तो हो, लेकिन कोई इंस्टिंक्ट नहीं है, कि बेसिकली तुम्हारा दिल नहीं है, तुम्हारे दिल से कोई आवाज़ नहीं आती है, तुम सिर्फ सोचती मात्र हो, तुम दिमागदार बहुत हो, लेकिन तुम्हारा दिल तुम्हारी को जवाब नहीं देता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट गर्ल, शी इज रोज स्टैनली। अब ये सैंडी से अलग होती है, शी इज अ वेरी अट्रैक्टिव गर्ल, शी इज अ ब्लॉन्ड गर्ल विद इंस्टिंक्ट बट नो साइड, कि इसका ना दिल काम करता है और दिमाग कम काम करता है। अब शी इज फेमस फॉर हर सेक्स इन द नॉवल, एंड ऑल्सो ये क्या करती है, ये जो हमारे आर्ट टीचर हैं मिस्टर टेडी लॉयड, इनके लिए ये मॉडलिंग करती है फॉर हिज पोर्ट्रेट्स। अब क्या होता है, हर एक पोर्ट्रेट में रोज स्टैनली का जो वो पोर्ट्रेट बनाता है उसमें एक लाइकनेस होती है मिस ब्रोडी के चेहरे की, क्योंकि मिस्टर लॉयड मिस ब्रोडी को बहुत प्यार करते थे, पहले वो उनके पोर्ट्रेट्स बनाया करते थे, इसीलिए रोज स्टैनली के हर एक पोर्ट्रेट में मिस ब्रोडी के चेहरे की झलक होती है।
अब क्या होता है कि अनलाइक सैंडी रोज क्या करती है, मिस ब्रोडी का इन्फ्लुएंस काफी जल्दी अपनी जिंदगी में छोड़ देती है, कि जैसे कि कोई कुत्ता किसी पॉन्ड से बाहर निकल के शेक करता है ना खुद को, तो उसके कोट से सारा पानी निकल जाता है, इसी तरीके से कुछ वो मिस ब्रोडी का इन्फ्लुएंस जल्दी ही छोड़ देती है। देन वी हैव मैरी मैकग्रेगर। ये थोड़ी सी जो है ना ट्यूबलाइट किस्म की लड़की होती है, थोड़ी सी स्लो होती है, कम सोचती है, कम दिमाग होता है। ये मिस ब्रोडी के कारण स्केप गोट बन जाती है, मिस ब्रोडी समझाती है इसको, ये उनके अकॉर्डिंग एक्ट करती है और इसका पचका हो जाता है। अभी क्या होता है कि इस ग्रुप में ना कुछ भी गलत होता है ना, बेचारी इतनी सीधी होती है, इतनी भोली भाली होती है कि हर चीज का ब्लेम ना इसके मत्थे पे आके लोग मर देते हैं, ये बेचारी फंस जाती है बड़ी बुरी तरीके से। अब क्या होता है इसके टाइम पे एट द एज ऑफ 23 क्या होता है, शी डाइज इन अ होटल फायर, की होटल में आग लग गई होती है जब 23 ईयर्स की होती है। अब जो है ना ये वहां से अफरा तफरी में यहां से वहां भाग रही होती है और उस चक्कर में ये मर जाती है, वहां से बच के भाग नहीं पाती है। नेक्स्ट लड़की है मोनिका डगलस। मोनिका डगलस फेमस थी फॉर हर मैथमेटिक्स एंड ऑल्सो फॉर हर एंगर, हर शॉर्ट टेम्पर्ड। देन वी हैव जेनी ग्रे। जेनी ग्रे भी उस सेट की एक लड़की है और ये फेमस थी फॉर हर ब्यूटी। देन वी हैव यूनाइस गार्डिनर। यूनाइस गार्डिनर कौन थी, शी वॉज ऑल्सो वन ऑफ द सेट एंड शी वॉज फेमस फॉर हर जिमनास्टिक एंड ग्लोरियस स्विमिंग। अब क्या होता है कि इन सारी लड़कियों को बोलते हैं द ब्रूडी सेट, और उनके रेफरेंस में मिस ब्रूडी एक वाक्य कहती हैं, वो वाक्य हम आपको दिखाते हैं। इट इज द क्रेमे दे ला क्रेमे, यानी कि द बेस्ट ऑफ द बेस्ट। मिस ब्रूडी चाहती थी कि ये लड़कियां बेस्ट ऑफ द बेस्ट बने। मूविंग ऑन टू द अदर सपोर्टिंग कैरेक्टर्स, वी हैव मिस्टर टेडी लॉयड। ये आर्ट मास्टर थे एट द प्लेन जूनियर स्कूल। ये हाफ वेल्श थे और हाफ इंग्लिश थे। ये काफ़ी हैंडसम थे और सफिस्टिकेटेड भी थे। इनका जो लेफ्ट आर्म है, ही हैड लॉस्ट हिज लेफ्ट आर्म ड्यूरिंग द वर्ल्ड वॉर वन एंड ही वॉज वेरी स्टबनली इन लव विद मिस ब्रोडी ऑल्दो ही वॉज मैरिड। शादीशुदा थे लेकिन उनको मिस ब्रोडी से बहुत प्यार था। ये उनकी पेंटिंग्स बनाया करते थे एंड ही वॉज अ फ्लर्टेशियस सॉर्ट ऑफ अ गाय, जिसको सेक्सुअल चीजों में इंटरेस्ट था, जो लड़कियों की तरफ सेक्सुअली अट्रैक्ट हुआ करते थे, तो ये इस तरह के इंसान थे। देन वी हैव गॉर्डन लाउदर। ये सिंगिंग टीचर थे एट द ब्लेन जूनियर स्कूल। ये मिस्टर टेडी लॉयड से लेस अट्रैक्टिव थे लेकिन इनकी लंबी बॉडी थी और इनके पैर थोड़े छोटे थे, ही वॉज शॉर्ट लेग्ड। अब ये क्या होता है ना कि ही स्कैंडलसली स्लीप्स विद मिस जीन ब्रोडी। शादी नहीं हुई थी भले ही, लेकिन फिर भी दे कंटिन्यू देयर रिलेशनशिप एंड आफ्टर शी रिनाउंसेस हर लव फॉर टेडी लॉयड, वो इनके प्यार को एक्सेप्ट करती हैं। पहले इसे ये प्यार करते हैं उनसे, लेकिन पहले वो टेडी से प्यार करती थी, बट वेन शी रियलाइज्ड कि वो शादीशुदा हैं और उनकी रिलेशनशिप का कोई फ्यूचर नहीं है, तब शी रेसिप्रोकेट्स गॉर्डन लाउदर इन हिज लव। Then we have Miss McKay. Miss McKay कौन थी, वो हेड मिस्ट्रेस थी स्कूल की। शी रॉन्गली डिसअप्रूव्स ऑफ मिस ब्रोडीज एजुकेशनल मेथड्स। उनको बड़ा गुस्सा आता था कि यार ये कैसे पढ़ाती है, बिकॉज ये अकेडमिक चीज़ों की बजाय फालतू की चीज़ें पढ़ाती हैं, फैसिज्म के बारे में पढ़ाती हैं, बच्चों को कहीं ना कहीं भटका रही हैं। तो ये क्या करती हैं, जो ब्रूडी सेट होते हैं, जो वो छह लड़कियां होती हैं, उनको बार बार प्रलोभन देती है, उनको कोशिश करती है कि ये मुझे मिस ब्रूडी के बारे में ना कुछ खुफिया इन्फॉर्मेशन दे, ताकि मैं एक ऐसी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर लूँ कि मैं उसको स्कूल से धक्के मार के बाहर निकाल दूँ। और क्या होता है, इंडीड सैंडी उसको ये अपॉर्चुनिटी दे देती है, बताती है कि सैंडी बताती है उसको कि मिस ब्रोडी हमारे को फैसिस्ट पॉलिटिक्स के बारे में बताती थी, उनके व्यूज ऐसे थे और वो इन चीज़ों में इंटरेस्टेड थी। तो मिस मक्के इस अपॉर्चुनिटी का फायदा उठाती हैं और वो मिस ब्रोडी को स्कूल से सस्पेंड कर देती हैं। देन वी हैव मिस लॉकहार्ट। ये स्कूल में साइंस टीचर की जॉब करती थी एंड मिस ब्रोडी के कंपैरिजन में ये अपने काम को लेकर, अपने टीचिंग को लेकर बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड थी, और सिर्फ पढ़ाई पर, यानी कि अपने सब्जेक्ट को पढ़ाने पर ध्यान दिया करती थी। मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट कैरेक्टर, वी हैव मिस एलिन केलर एंड एलिसन केलर। ये दोनों टीचर्स स्कूल में सिलाई सिखाया करती थी। ये मीक कैल्विनिस्ट है जो हाउसकीपिंग का काम शुरू करती हैं मिस्टर लाउदर के घर में, और इन दोनों में से एक
की इच्छा होती है कि वो मिस्टर लाउदर से शादी भी कर लें. देन वी हैव मिस कॉन्ट. शी वॉज द वन जो कि मिस प्रूडी के फायर होने के बाद में उनकी जगह लेती है. देन वी हैव द कैरेक्टर ऑफ हग. हु वॉज हग? ये मिस ब्रूडी के पास्ट लवर थे जो कि वर्ल्ड वॉर वन में मारे गए थे. मिस ब्रूडी क्या करती हैं, अपने स्टूडेंट्स को बताती हैं अपने इनके साथ में रिलेशन के बारे में, और सैंडी और जेनी इतने एक्साइट हो जाते हैं एज यंग गर्ल्स इनको सुनकर कि वो एक सेक्चुअली चार्ज्ड फिक्शनलाइज स्टोरी लिखते हैं, एक मनगढ़ स्टोरी लिख देती हैं इसके बारे में, और उसको टाइटल देती हैं द माउंटेन आयर, जिसमें वो मिस ब्रूडी के और इनके बारे में एक कहानी अपने दिमाग से बनाकर लिख देती हैं. अब अगली हमारे पास कैरेक्टर है जॉयसी एमिली हैमंड. ये एक लड़की थी जो ब्लेन स्कूल में बाद में आती है, और ये स्पैनिश सिविल वॉर में मर गई थी मिस ब्रूडी के कारण, क्योंकि मिस ब्रूडी ने इसको कहा था कि तुम उस वॉर में जाओ लड़ने के लिए. सो ये थे हमारे कैरेक्टर्स. देन हमारे पास थीम्स हैं हमारी ट्रांसफिगरेशन की. ट्रांसफिगरेशन मतलब to develop into something more beautiful, something better, कुछ अच्छे रूप में परिवर्तित हो जाना, रूप बदल जाना. Then we have betrayal, यानी कि धोखे की थीम, क्योंकि सैंडी स्ट्रेंजर मिस जीन ब्रोडी को धोखा देती हैं. रिलीजन की थीम है क्योंकि इसके अंदर रोमन कैथोलिसिज्म है, कैल्विनिस्ट फेथ है, तो इसके ऊपर भी इसमें बात की गई है. मूविंग ऑन टू द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस, वी हैव द फर्स्ट क्वेश्चन नैरेटिव टेक्निक के बारे में. आपको बताना है कैसे ये फ्लैशबैक और फ्लैश फॉरवर्ड में घूमता रहता है, जो कि मैंने आपको समरी में एक्सप्लेन भी किया है. देन वी हैव मॉडर्निज्म इन मिस जीन ब्रूडी द नॉवल. आपको इसके अंदर मॉडर्निज्म के बारे में क्या बात की गई है उसके बारे में एक्सप्लेन करना है. देन वी हैव शो हाउ साइकोलॉजिकल ग्रोथ इज एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ कैरेक्टर्स इन द नॉवल. तो ये तो बहुत क्लियर है, हर कैरेक्टर्स को साइकोलॉजिकल एनालाइज किया गया है, चाहे वो मिस जीन ब्रोडी हो चाहे वो उनके बच्चे हों, तो आपको उसके बारे में यहाँ मेंशन करना है. म्यूरियल स्पार्क्स हैंडलिंग ऑफ टाइम इन द नॉवल, ये वही नैरेटिव की तरह आप इसमें दे सकते हो कि फ्लैश ब्लैक फ्लैश फॉरवर्ड में जाता है, इसके अलावा वर्ल्ड वॉर वन की बात हो रही है, तो उसकी हैंडलिंग ऑफ टाइम के बारे में यू हैव गॉट टू कॉमेंट. देन वी हैव द क्वेश्चन कमेंट अपॉन द इशूज रेज्ड बाय द ऑथर इन द नॉवल. कौन कौन से इशूज उसने यहाँ पर रेज किए हैं आपको इसमें उसके बारे में बताना है. लाइक वी कैन से अबाउट द इशू ऑफ अडल्टहुड, अबाउट द इशू ऑफ ट्रांसफिगरेशन, बिट्रेयल, और हाउ टू मोल्ड चिल्ड्रन इनटू द राइट फ्रेम. ठीक है, तो ये सब इसमें कुछ इश्यूज हैं. ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट के बारे में कमेंट करने के लिए भी आता है कई बार. इसके अलावा है ब्रिंग आउट द डिफरेंसेस बिटवीन द मेजर कैरेक्टर्स, इसमें बताना है मिस जीन ब्रोडी की क्या सोच है. सैंडी के बारे में बताना है आपको इसके अंदर, रोज के बारे में, टेडी लॉयड के बारे में, जो इसमें इंपॉर्टेंट मेजर कैरेक्टर्स हैं उनके बीच के जो डिफरेंसेस हैं वो आपको इसके अंदर एक्सप्लेन करने हैं. Then we have the question, do you agree that Miss Brodie is a symbol of non-conformity? Of course, yes, इसमें आपको बताना है कैसे Miss Brodie शुरुआत से ही सबसे अलग थी, उनके विचार अलग थे, वो अपने ही जीवन को जीती थी, अपने ही विचारों को सुपीरियर मानती थी, वो किसी के बहकावे में किसी की सुनती नहीं थी. तो she was a symbol of non-conformity. आपको बताना है स्टार्टिंग से एंड तक जो भी इसकी स्टोरी थी, उनके जो एक्शंस थे, जो उनके विचार थे, जैसे वो बच्चों को मैनिपुलेट करती थी, आपको इसमें वो चीजें बतानी है. देन वी हैव व्हाई इज द डिफीट ऑफ मिस ब्रोडी कंसीडर्ड टू बी इनएविटेबल, कि क्या उनकी हार को इनएविटेबल यानी कि वो होना तय था, उनके जो कर्म थे. आपको यही बताना है कि शी वॉज अ सिंबल ऑफ नॉन कन्फॉर्मिटी, शुरू से ही वो अपनी बात पर अड़ग रहा करती थी, उनके व्यूज कहीं जगह गलत भी थे, वो जिद्दी भी थी, तो आपको ये बताना है कि उनकी हार होना इसमें तय था. देन द लास्ट क्वेश्चन वी हैव इज मिस ब्रूडीज कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन इज ऑस्टेंसिबली अ लीडिंग आउट ऑफ वॉट इज ऑलरेडी देयर इन द पीपल सोल, कि उनका ये कॉन्सेप्ट था कि जो बच्चों के दिमाग में, जो बच्चों के दिल में ऑलरेडी है उसको ही आगे एक्सपेंड किया जाए. ये था मिस ब्रोडी का कॉन्सेप्ट ऑफ एजुकेशन. अब क्वेश्चन है हाउ इज दिस कॉन्सेप्ट ट्रांसलेटेड इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ द प्राइम ऑफ मिस जीन ब्रोडी, कि इस कॉन्सेप्ट को इस नॉवल के संदर्भ में किस तरीके से प्रस्तुत किया गया है. तो आपको इसके अंदर वही बताना है कि किस तरीके से वो बच्चों को पढ़ाती थी, उनकी जो जिज्ञासाएं थी जो कि टीनेज एज में बच्चों के मन में होती हैं, कैसे वो उनको समझती थी या उनको अपने अकॉर्डिंग मैनिपुलेट करती थी. ये जब आप नॉवल पढ़ेंगे इसके जो आंसर्स हैं वो आपको खुद ही एनालाइज करने हैं. आप इसमें रेफरेंस बुक्स में चेक कीजिए, जो आपको स्टडी मैट मिलता है उसको पढ़िए, तो आपको इन सब के बारे में जानकारी मिल जाएंगी.
यही था आज के वीडियो का कंटेंट। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड ऑल्सो कॉमेंट सेक्शन में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी है, अपने व्यूज़ ज़रूर शेयर कीजिए। ऑल्सो शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर सच वीडियोज इन फ्यूचर। टिल देन हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए, अच्छा अच्छा खाना खाइए एंड डोंट फॉरगेट टू स्टडी। हैव अ नाइस डे गाइज, बाय बाय।